हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? हेयर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है, अगर आप मॉर्निंग में देखें तो ये एक गाइडेंस है, अगर एंड ऑफ द डे देखें तो ये आपके लिए एक डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, ये आज की मेरी सिचुएशन से मैच करता हुआ है। अननेसेसरीली इसको इम्पोज मत करें, लेकिन मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, क्या है आज का मैसेज? मैसेज ऑफ द डे, Five of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords और Bottom of the deck पे Five of Cups। Alright। किसी की एनर्जी आप पे ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैश होगी। क्लैश क्या होगी, मैं ये कह सकती हूँ कि आज कोई एक ऐसा पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा जिसने आपको, यानी आपने उससे डिटैचमेंट की और आप उसकी बहुत बड़ी सोर्स थे, यानी काफ़ी आपने उसका ख्याल रखा है, स्पेशली उसके हार्ड टाइम पर। लेकिन इस पर्सन ने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा कि आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। वरना फाइव ऑफ पेंटिकल्स तो एक बेसहारगी का कार्ड होता है कि ऐसे वक्त में छोड़ के चले जाना जब सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि कोई ना कोई ये जो पर्सन है, इसने जिस तरह से भी आपके साथ डिटैचमेंट की, डिटैचमेंट के बाद ये पर्सन बहुत हद तक इस इंतज़ार में है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, और आपने शायद कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी है, माफ़ी नहीं तो कुछ ऐसी ऑफ़र जिसमें एक अपोलोजाइज है। विद द पेज ऑफ कप्स, इट लुक्स लाइक कि ये आपसे कोई ना कोई सलाह, कोई ऐसी बात, कोई आइस ब्रेकिंग या कुछ इस तरीके से आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, बहुत ही स्लाइट सा। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई ऑनलाइन बहाना ढूंढे, यानी कि कोई ऐसा बहाना कि ऐसे ईमेल के ऊपर कोई बात कर ली, या ईमेल के बारे में कोई बात कर ली, किसी मैसेज पे बात कर ली, किसी के वॉइस नोट को सेंड करके कहा कि मेरे पास इस तरह से कोई आया है और कोई बात आई है, यानी कि आपका इससे अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। इशू ये है कि ये क्यों इस तरह करेगा, बिकॉज इस वक्त ये काफ़ी इमोशनल विड्रॉल से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट है इनको, बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हैं, इनको अपनी लाइफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और जो चीज़ें ठीक हैं वो इनकी तरफ इनकी पीठ है, और जो चीज़ें बिल्कुल बिखर गई हैं ये सिर्फ उसी को देखे चले जा रहे हैं। और ऑनलाइन ज़रूर, यानी कहीं ना कहीं कोई मीडियम जो है वो ऑनलाइन का ज़रूर होगा कॉन्टैक्ट करने का, बिकॉज एक स्ट्रगल जो लाइफ की है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा ज़रूर है, और आपने फिर इनसे ऐसी डिटैचमेंट इख्तियार की है कि आपने कहा कि ठीक है भाड़ में जाओ, लंगड़े हो, लूले हो, जैसे भी हो, मर जाओ, खप जाओ। बिकॉज़ आपने बहुत ऐसे ऐसे मौक़ों पर इनका साथ दिया था जब ये वाकई बहुत मुश्किल में थे, और फिर इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी, अपनी ज़िंदगी की सहूलत देखी, अपना एडवांटेज देखा और आपको छोड़ के चले गए। और फिर आपने, जब आपको ये पता चला कि ये एहसान मंदी के बाद इस तरीके की हरकत हो सकती है, तो आपने बिल्कुल इनको टाटा बाय बाय सीन ऐसे किया, और अब इनकी तरफ से बड़ी बेचारगी है, बिकॉज़ धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये बिल्कुल वो वाला मामला इनके साथ हुआ है। तो इसलिए इनको माफ़ी भी है, और अभी किसी ना किसी तरीके से सलाह करने की, मशवरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आप पट जाएं, आप मान जाएं, और बहाना कोई ये ऑनलाइन फोरम का यूज़ करेंगे जो मैंने सारी सोर्सेज बताई। कहीं कोई तस्वीर आपने अपलोड की तो उसके थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तस्वीर पर कोई ऐसा रैंडम कमेंट करेंगे कि फिर आप पलट के खैरियत पूछें, तो कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर है के जिसके थ्रू इनकी कम्युनिकेशन ओपन होने का इनको चांस है। नाउ इट्स अप टू यू कि अगर मैंने मैसेज ऑफ द डे में आपको ये बता दिया है कि आज आपके साथ ये होगा, तो नाउ यू कैन सेंस के ये कौन हो सकता है। अव्वल तो जब मैसेज ऑफ द डे इतना मॉर्निंग में अपलोड होता है तो हमें पूरे दिन में अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन आप इसको एंड ऑफ द डे देखें तो जब आप रिकॉल करते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता हो कि फ़ाइन, ये चीज़ आज होनी थी। और बाज़ दफ़ा वो कुछ चीज़ें मिलती भी नहीं है, तो क्लेम तो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, मैं एटलीस्ट नहीं कर सकती, लेकिन एनर्जी ज़रूर कहीं ना कहीं 80-70% मिलती हैं। तो
तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी का स्टॉकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई आपकी डीपी पे कुछ कमेंट कर सकता है, आपके स्टेटस पे कोई कमेंट कर सकता है, कोई आपसे बातचीत करने में पहल करने में कोशिश कर सकता है। ये जो भी इंसान है इसको ठीक ठाक डस्ट पड़ी है, और अगर इसने आपके साथ बददियानती करी थी तो फिर तो डस्ट करने पर आप दो तीन तालियां ठोक दो। ठीक है जनाब, ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस ब्लेस्ड डे। बाय बाय।